अब बात देश में मिशन वैक्सीनेशन की, जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा आबादी को कैसे टीका लगे, कैसे वैक्सीन पर मारामारी को कम किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अगले एक महीने में क्या है प्लान। वैक्सीन के लिए अप्रैल और मई में जो मारामारी रही है उसमें जून से कुछ राहत जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने वैक्सीन पर बड़ा दावा किया है। जून से वैक्सीनेशन के लिए करीब 12 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। ये मई के आंकड़े से करीब 4 करोड़ एक्स्ट्रा डोज है। मई में 8 करोड़ डोज उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन ये 8 करोड़ डोज भी डिमांड के हिसाब से बहुत कम थी। वैक्सीन की इसी शॉर्टेज से पिछले 2 महीने देश पर ऐसे भारी पड़े कि कोरोना के तूफान में जब वैक्सीनेशन फुल स्पीड में होना चाहिए था तब ये सबसे धीमा पड़ गया था। अप्रैल के पहले हफ्ते में जहां औसतन 34 लाख टीके प्रतिदिन लग रहे थे, वहीं मई के पहले हफ्ते में ये आंकड़ा गिरकर 18 लाख टीके प्रतिदिन पहुंच गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह वैक्सीन की किल्लत थी, जिसने 18 से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन अभियान की हवा निकाल दी, जो 1 मई से बड़े जोर शोर से शुरू किया गया था। लेकिन कई राज्यों में अब 18 से 44 साल की आबादी का वैक्सीनेशन बंद है या फिर सिर्फ नाम के लिए चल रहा है। वैक्सीन की कमी से ज्यादातर राज्यों में फिर से 45 प्लस की आबादी के टीकाकरण पर ही फोकस कर दिया गया, लेकिन जून के लिए जो प्लान है उससे सुस्त पड़ा टीकाकरण थोड़ी रफ्तार पकड़ सकता है। जून में केंद्र सरकार वैक्सीन की करीब 6,90,000 डोज राज्यों को देगी, जो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 प्लस आबादी के लिए होंगी। इसके अलावा वैक्सीन के करीब 5,86,00,000 डोज सीधी खरीद के लिए राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों को उपलब्ध होंगी। वैक्सीन की सीधी खरीद से राज्य 18 से 44 साल के एज ग्रुप का वैक्सीनेशन अभियान बढ़ा सकते हैं, जिसे पिछले कुछ हफ्तों में या तो बंद कर दिया गया या कुछ कम कर दिया गया, और जिस पर हफ्तों से राजनीति भी चल रही है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली सरकार के पास युवाओं के लिए एक भी सेंटर पर लगाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, और ये सिर्फ दिल्ली सरकार की समस्या अकेले नहीं है। देश भर में राज्य सरकारों के वैक्सीनेशन सेंटर जो युवाओं के लिए चलाए जा रहे हैं वो एक एक करके बंद हो रहे हैं। आज के दिन में युवाओं को वैक्सीनेशन कौन लगवा रहा है? वैक्सीन की डोजेस सिर्फ और सिर्फ महंगे प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध हैं, कोई 900 रुपये में, कोई 1000 रुपये में, कोई 1200 रुपये में, कोई 1400 रुपये में युवाओं को वैक्सीन लगवा रहा है। दिल्ली सरकार का दावा है कि 10 जून से पहले युवाओं का वैक्सीनेशन फिर से शुरू करना मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त टीके उपलब्ध नहीं। केंद्र की प्लानिंग पर सवाल उठाए गए और ये आरोप लगाए गए कि जब राज्यों को वैक्सीन मिल ही नहीं रही तो प्राइवेट अस्पतालों को कैसे मिल रही। लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई में बीजेपी का जवाब यही है कि वैक्सीनेशन प्लानिंग बिल्कुल सही थी, लेकिन इसे डीरेल करने वाली राजनीति हुई। जहां हम सब लोग साधना में जुड़े हुए हैं, वही कुछ लोग बाधा पहुंचाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करना चाहता हूं, हम साधक हैं वो बाधक हैं। हम साधना करते रहेंगे और इन बाधाओं को पार करते रहेंगे और लोगों के बीच जाकर के सही तरीके से उनकी सेवा करेंगे। मैं आज के दिन कोई राजनीति करूं ये अच्छा नहीं है, हम सेवा कार्य में जुटे हैं। लेकिन कौन लोग हैं जिन्होंने भारत के मोराल को गिराने का काम किया? वैक्सीन बनाने का जब निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया और देश के उद्यमियों को प्रेरित किया, रिसर्च साइंटिस्ट को प्रेरित किया, तो उस समय भारत के मोराल को गिराने का काम कुछ लोगों ने किया, कुछ राजनीतिक दलों ने किया, यह हम सबको मालूम है। भारत बायोटेक जहां 1.3 करोड़ पर महीने वैक्सीन बनाता था, वो आने वाले अक्टूबर महीने तक 10 करोड़ वैक्सीन बनाने लग जाएगा। उसी तरीके से लगभग इस वर्ष के अंत तक हम सभी को वैक्सीन देने में कारगर हो जाएंगे और सब लोगों को वैक्सीन लगे इसकी व्यवस्था हो जाएगी। हर एक कंपनी इस तरीके से काम कर रही है और इसका रोड मैप बना करके इसको रोल आउट किया जा रहा है।
सरकार का बड़ा दावा यही है कि अगस्त से दिसंबर तक के बीच देश में कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ से ज्यादा की डोजेज उपलब्ध होंगी और दिसंबर तक सबको टीका भी लग जाएगा। आज तक ब्यूरो हमारे लिए वक्त हो गया।